नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि एब्स कैसे निकाली जाए, एब्स कैसे लाई जाए। एकदम सीधी सारी स्पष्ट बात की जाएगी कि एब्स कैसे लाई जाए। अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को 10% के आसपास ले आओ, तुम्हारी एब्स दिखने लग जाएगी, चाहे तुम पतले इंसान हो या मोटे इंसान हो। हाँ, यही असली सच है जिसके ऊपर काफ़ी चैनल्स पे काफ़ी दसों सैकड़ों वीडियोस बने जाते हैं कि ऐप जैसे लग जाए वैसे लग जाए। असली सच ये है कि ऐप्स तुम्हारी दिखने लग जाएगी जब तुम्हारे बॉडी फैट परसेंट करीब 10% के आसपास होए। हो सकता है कोई के लिए 8% पे जाओ तो एकदम साफ दिखने लगे, हो सकता है किसी 12% पे ही साफ दिखने लग जाए, पर लगभग 10% के आसपास दिखने लग जाती है। बॉडी फैट परसेंट क्या होता है ये मेरे पुरानी वीडियोज में जाके देख सकते हो। एब्स का अब कोई कहेगा कि मैं तो इतना पतला हूँ, मेरी कौन सी एब्स होएंगी, एब्स तो उनकी होती है जो बॉडी बिल्डर होते हैं। वो ऐसा क्या है कि एब्स बोलते हैं एब्डोमिनल मसल जो होती है ना, हमारी पेट की जो मसल होती है उनको। अगर आप बहुत पतले हो तो आपकी वो मसल कम डेवलप हुई भी हो सकती है, वो पतली हो सकती है आपकी मसल, और कोई बहुत मस्क्यूलर आदमी जिसमें बहुत मसल है तो उसकी वो ज़्यादा डेवलप्ड हो सकती है एब्डोमिनल मसल, पेट की मसल, तो उसकी मोटी हो सकती है वो मसल। पर दोनों का बॉडी फैट परसेंट अगर 10% के आसपास लाओगे तो दोनों की दिखेंगी। पतले वाले की अगर पतली दिखेंगी तो पतली दिखेंगी, मोटे वाले की मोटी दिखेंगी तो मोटी दिखेंगी, पर दिखेंगी दोनों की। जब तक कि आप बहुत पतले इंसान हैं जिसके मतलब बिल्कुल ही मसल नहीं है, एकदम कीकड़े से हो, तो हो सकता है आपके पेट पे मसल ना दिखे 10% में आने के बावजूद भी, पर आमतौर पर पतले लोगों की भी दिख जाएंगी। मतलब वो इतने पतले भी नहीं होते पतले लोग, कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो उसके हो सकता है ना दिखे। तो ये मेन जो है मसल डेवलपमेंट का डिफरेंस है। अगर आप एब्स लाना चाहते हो तो ये आपको कोई जिम का ट्रेनर कहे 1000 बार क्रंचेस करो, ये करो, वो करो, तो एब्स वैसे नहीं दिखने लगेंगे आपके 1000 बार क्रंचेस करने से। तो आपको ऐसा वहम होगा कि पेट का जो फैट है वो कट जाएगा और मेरी एब्स दिखने लगेगी, ऐसा नहीं है। अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करते 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 सही डाइट और एक्सरसाइज से कम करते 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 10% के आसपास लाओ, आपकी एब्स दिखने लग जाएगी। जो एक्सरसाइज से फर्क आता है वो एब्स कैसे डेवलप हो रही है, कितनी मसल आपकी मजबूत हो रही है, कितनी मसल में मोटाई आ रही है, उससे एक्सरसाइज का उस पर फर्क पड़ता है, उसके दिखने ना दिखने में फर्क नहीं पड़ता। दिखने ना दिखने पर बॉडी फैट परसेंटेज का फर्क पड़ता है, अभी शरीर में कितनी चर्बी, चर्बी कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ एब्स दिखने लग जाएगी। तो ये एब्स की कहानी। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐप्स लाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, बस लाने वाले, तो उन्हें बताओ कि सही जगह कहाँ है, कहाँ उन्हें पहुँचना है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, जो भी आपको लगता है कि इसमें इंटरेस्टेड उनके साथ में शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।